71व्या स्वतंत्रताय दिसा निमतान पुराय देशान भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान तिरंगो बावटो हुबयलो. विमानतळ प्राधिकरणान दाबोळे विमानतळारय स्वतंत्रताय दीस मनयलो. आरडीएक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान जॉन डिसिल्वा. सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा. जैसा कि आज हम पूरे देश में 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसी तरह हमने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सभी एयरपोर्ट्स में इंक्लूडिंग गोवा में भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. और जिस तरह से हम पिछले सालों में पैसेंजर्स और हमारे टूरिस्ट को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आगे भी हमने बहुत सारे प्लान बनाए गोवा एयरपोर्ट के लिए. जैसा कि मैंने बताया, हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं गोवा एयरपोर्ट पर पैसेंजर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए. हमने एनवायरनमेंट सपोर्ट सर्विसेज के लिए नया क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ है. उसके बाद हमने पैरेलल टैक्सी ट्रैक का अवार्ड दे दिया है जो कि काम मानसून के इमिडिएटली बाद शुरू हो जाएगा. और उससे हमारे जो ग्राउंड में और फ्लाइट में डिलेज होती हैं, एयर में डिलेज होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी. उसके बाद हम अंदर वो टर्मिनल बिल्डिंग में बहुत सारे एरियाज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पैसेंजर ग्रोथ ज़्यादा हो गया, तो हमें जगह भी पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा चाहिए और बाकी सुविधाओं के भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हम प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे जितने भी वॉशरूम्स हैं हमारे टर्मिनल बिल्डिंग में उनको थोड़ा बड़ा करें और उनका कम्प्लीट रीडिज़ाइन और रिनोवेट करें, और ये अगले 1 साल के अंदर ये सब हम काम पूरा करने की कोशिश करेंगे. और हमने जो नए जो फैसिलिटीज़ हैं अभी एग्जिस्टिंग हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए हैं. जिस तरह से मैंने बताया कि हमारा जो पुराना बिल्डिंग है उसको हमारा तोड़ने का प्लान है, उसको तोड़ के हम नए पार्किंग बेस बनाएंगे. तो इस तरह से बहुत सारे काम गोवा एयरपोर्ट के लिए हमारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कॉर्पोरेट ऑफिस ने प्लान किया है और उसको हम जल्द से जल्द कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे. और अगले 1 साल में गोवा एयरपोर्ट का पूरा कायाकल्प करने का हमारा ये लक्ष्य है. धन्यवाद.